दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डांस रियलिटी शो झलक दिखिल आजा लगभग 5 साल के बाद बहुत जल्दी कलर्स टीवी पर आ रहा है और ये इस रियलिटी शो की 10वीं सीजन है जो कि 3 सितंबर सन 2022 से कलर्स टीवी पर आएगा। और हर बार की तरह इस बार भी इस डांस रियलिटी शो को होस्ट करने वाले हैं मोनिश पॉल। लेकिन क्या आप जानते कि झलक दिखिल आजा सीजन 10 की जज और होस्ट को कितने पैसे मिल रही है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक देखना और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। नंबर 1, माधुरी दीक्षित। दोस्तों माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस और एक डांसर है और अब सब तो जानते ही होंगे कि इन्होंने कई डांसिंग रियलिटी शो को जज किया है। दोस्तों इन्होंने इस रियलिटी शो को सीजन 4 से लेकर सीजन 8 तक जज किया है और इन्होंने इस बार भी इस रियलिटी शो को जज करने के लिए डिसीजन लिया है। और आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित इस बार इस रियलिटी शो को जज करने के लिए पर एपिसोड 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रही है। नंबर 2, नोरा फतेह। दोस्तों फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेह आजकल काफी डांसिंग रियलिटी शो को जज कर रही है और वो इस बार डांस रियलिटी शो झलक दिखिल आजा सीजन 10 को भी जज करने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि नोरा फतेह झलक दिखिल आजा की एक कंटेस्टेंट रह चुकी है और वो इस रियलिटी शो को जज करने के लिए पूरे सीजन के लिए ले रही है लगभग 5 करोड़ रुपए। नंबर 3, करण जौहर। दोस्तों करण जौहर एक फिल्म मेकर के साथ ही साथ एक बहुत अच्छा होस्ट भी है। दोस्तों इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखिल आजा को सीजन 6 से लेकर सीजन 8 तक जज किया है और इस बार भी इस डांसिंग रियलिटी शो को करण जौहर जज करने वाले हैं और पूरे सीजन के लिए करण जौहर को मिल रहे है लगभग 10 करोड़ रुपए। नंबर 4, मोनिश पॉल। दोस्तों मोनिश पॉल एक बहुत अच्छा होस्ट है और इन्होंने कई डांसिंग रियलिटी शो को होस्ट किया है और इन्होंने इस बार भी डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखिल आजा सीजन 10 को होस्ट करने वाले हैं और इस सीजन के लिए इनको मिल रहे हैं लगभग 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।